अस्सलामुअलैकुम, सुमी फॉरम रेसिपी में आपको शामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चिकन के रोल, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। चलें इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक कप के बराबर ये चिकन लिया है, इसको हमने नमक डाल के बॉयल कर लिया था। ये वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, प्याज को हम कट कर लेंगे, फाइन चॉप करनी है बिल्कुल इस तरह से। ये प्याज हमारी कट हो चुकी है, अब ये शिमला मिर्च है, इसको भी बारी बारी कट कर लेंगे हम। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बारीक काटनी है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब ये हरी मिर्चें हैं, इसको भी हम बीज से कट लगा लेंगे और इसके बीजें सारे अलग कर लेंगे, इसको भी बारीक बारीक कट कर लेंगे। अब ये बंद गोभी है, इसको भी हमने बारी बारी कट किया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इस तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्च ली है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून साबित धनिया और ज़ीरा, उसको हमने कूट लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। नमक हसबे जायका। अब ये बॉयल हुई हुई जो चिकन थी, इसको हमने रेशा रेशा कर लिया था। हल्की सी यखनी भी इसमें शामिल है, बिल्कुल मामूली सी, 2-3 टेबल स्पून के करीब यखनी है इसके अंदर। और ये इसको अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखने में तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, लेकिन ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये 2-3 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल लिया है। अब हम इसमें ये जो हमने रोल की फिलिंग बनाई थी, वो हम इसमें ये डाल देंगे। इसको हमने ज़रा सी 2 से 3 मिनट को भूनना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। 2-3 मिनट के बाद हम इसको उतार लेंगे। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल इस तरह से ही होना चाहिए। ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ये रोल की फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये फिलिंग हमारी तैयार हो गई थी, अब हम इसका रोल बना लेंगे। इसको हमने ज़्यादा सा पानी लगा के इसको रोल बना लिया है इसका। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। ये देखें, अच्छी तरह से इसको पानी लगा के हमें इसको रोल करते जाना है। इसको हम अब फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, तभी ये क्रिस्पी होंगे। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई किया तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे।
ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे रोल बन के तैयार हो गए हैं। बहुत सिंपल, बहुत ही इजी, बनाना भी बहुत आसान है इसको, और जायके में तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।